आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के अगले 30 साल में होने वाले बदलावों और उनके चैलेंजेस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी द ग्रेट इंडियन आर्म फोर्स की एक शाखा है, जो वर्तमान में विशाल हिंद महासागर से लेकर पर्सियन गल्फ के मलक्का स्ट्रेट तक गश्त लगाने वाली एकमात्र ब्लू वाटर नेवी है। लेकिन भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच अपनी भविष्य की तैयारियों में भी लग चुकी। 2020 तक भारतीय नौसेना 150 से अधिक वेसल्स और 300 से अधिक विमानों का संचालन कर रही है, जो चीन से मुकाबले की दृष्टि में काफी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स बेहद ही प्रोफेशनल, ट्रेंड और मजबूत फोर्स है। हमारी नेवी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि भविष्य में उसे किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और उसी हिसाब से ही वह अपनी सेना में बदलाव भी करती है। हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी नौसेना है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। लेकिन अभी तो यह शुरुआत है दोस्तों। इंडियन नेवी 2050 तक 200 से अधिक वेसल्स और 500 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के भविष्य की कुछ योजनाओं पर, तो दिल थाम के बैठिए, वीडियो देखकर मजा आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। इंडियन नेवी वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को ऑपरेट करती है। आपको बता दें कि इसमें 30 से 40 एयरक्राफ्ट रखा जा सकता है। यह 45,000 टन भार सहने की क्षमता रखता है। इसके अलावा 2030 तक इंडियन नेवी INS विशाल को भी शामिल करने वाली है, जो 70,000 टन तक की क्षमता वाला होगा, लेकिन INS विक्रांत से अलग टाइप का होने वाला है, जो अभी भारतीय नौसेना की फ्यूचर डेवलपमेंट योजना में शामिल है। अब बात करें MPBS वॉरफेयर शिप की, तो वर्तमान में भारतीय नौसेना ऑस्टिन क्लास की INS जलाश्व को ऑपरेट कर रही है, जो एक ट्रांसपोर्ट शिप है, जो एक बार में 9,000 से 16,000 टन तक का भार उठा सकती है। भारत की भविष्य की योजनाओं में 2 MPBS वेसल शामिल करने की योजना है, जो 30,000 से 40,000 टन के होने वाले हैं। इसके लिए स्पेन से एल क्लास के जुआन कार्लोस और फ्रांस के मिस्टर क्रास दावेदार हैं। अब बात करें डिस्ट्रॉयर की, तो मौजूदा हालात में भारतीय नौसेना 10 डिस्ट्रॉयर ऑपरेट करती है, जिसमें से 5 राजपूत क्लास के हैं और 2 डिस्ट्रॉयर रिटायर भी किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो के तहत मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहे हैं, जो विशाखापट्टनम क्लास की गणित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो 73 टन का वजन उठा सकती हैं। 21 नवंबर 2021 को INS विशाखापट्टनम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नेवी में भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में 3 और डिस्ट्रॉयर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। इसके अलावा INS इम्फाल और INS सूरत भी 2024 से 25 तक नेवी में शामिल कर लिए जाएंगे। बात करें फ्रिगेट की, तो इंडियन नेवी द्वारा वर्तमान में 13 फ्रिगेट को ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 7 अल्फा, जिसे हम नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स के नाम से भी जानते हैं, उसके तहत कुल 7 फ्रिगेट शिप का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 4 MDL और 3 CRSE द्वारा बनाए जाएंगे। यह बेहतरीन स्टेल्थ फीचर, रडार, क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर से लैस होंगे। बात करें प्रोजेक्ट 1 मंत्री 5-6 या तलवार क्लास फ्रिगेट की, तो इसके तहत 4 अतिरिक्त शिप का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 2 शिप यंत्र शिपयार्ड एवं 2 शिप गोवा शिपयार्ड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबमरीन की। वर्तमान में भारतीय नौसेना परमाणु ऊर्जा से संचालित 1 सबमरीन और 1 डीजल से संचालित 16 सबमरीन को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा इंडियन नेवी द्वारा अरिहंत क्लास की 4 और सबमरीन को डेवलप किया जा रहा है, जिसे नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यह परमाणु ऊर्जा से संचालित सबमरीन होगी। INS अरिहंत और INS हरिघाट अपने साथ 12 KF 3 SLBM या 4 K4 SLBM मिसाइल फायर करने में सक्षम होंगे, जबकि इसी क्लास की अन्य 2 सबमरीन जो बनेंगी वो इसकी दुगनी क्षमता से लैस होंगी, जो ऐसे ही मिसाइलों को ले जा सकेंगी, जो किसी भी एक शहर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को नष्ट करने की क्षमता रखती है। आपको बता दें कि भारत वीटो पावर कंट्रीज के अलावा दुनिया का एक ऐसा पहला देश है जिसने ऐसी सबमरीन विकसित करने की महारत हासिल की है। इसके अलावा भारत एक 5 क्लास की 3 अन्य सबमरीन भी बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जो अरिहंत श्रेणी के सबमरीन से लगभग दोगुनी वजन की होंगी, जो 12 से 16 SLBM या KSSLV मिसाइल को ले जाने में सक्षम होंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये सबमरीन 2030 तक इंडियन नेवी में शामिल हो जाएंगी।
इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 5 अल्फा के तहत परमाणु ऊर्जा से संचालित 6 फास्ट अटैक सबमरीन भी बनाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन सबमरीन को बनाया जाएगा या फिर दूसरे देश से खरीदा जाएगा। इसके अलावा और भी 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन प्रोजेक्ट पर 5I के तहत पनडुब्बी के निर्माण की योजना है। बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात होने वाले फाइटर जेट की, तो वर्तमान में इंडियन नेवी में 29K फाइटर जेट का उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में इसे DDPS फाइटर एयरक्राफ्ट जो ADA और HAL द्वारा निर्माणाधीन है उससे इन्हें बदलने की योजना है। और तो और INS विक्रांत के लिए 36 फाइटर जेट जिसमें फ्रांस के दसॉल्ट राफेल M और US के F/A-18 सुपर हॉर्नेट को भी भारतीय कैरियर पर तैनात करने की योजना है। इसके अलावा अनमैंड एरियल सिस्टम 30 MQ-9 सी गार्जियन UAV, 12 डोनियर 228 P-8I सबमरीन हंटर, 24 MS-16 रोमियो हेलीकॉप्टर, 24 कमोव हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर को बदलने के लिए HAL द्वारा निर्मित INRH इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को भी बड़ी संख्या में नेवी में शामिल करने की योजना है। इसके अलावा 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट, 6 MGMV नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जो स्टेल्थ फीचर, लो रडार, क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड, एकोस्टिक मैग्नेटिक सिग्नेचर के साथ होंगे। इसके साथ ही इंडियन नेवी 4 माइंस काउंटर मेजर वेसल, 11 सर्वे वेसल्स, 2 डिवाइन स्पोर्ट वेसल्स और 4 बोलार्ड पुर्टगल HL क्लास की फ्लीट सपोर्ट वेसल की भी खरीद प्रक्रिया को अंजाम देने जा रही है। दोस्तों 2030 तक इंडियन नेवी एक महाशक्ति के रूप में इंडो पैसिफिक ओशियन से लेकर पर्शियन गल्फ तक न सिर्फ अपना दबदबा बनाए रखने में सक्षम होगी बल्कि चीन को भी उसके क्षेत्र में ही चुनौती देने की ताकत रखेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।